महासंग्राम दास्तान है एक ऐसी लड़ाई की जिसमें न भाले चले, न तीर, न तलवार, न बंदूक, न तोपें। हाँ, मगर दुदंबी जरूर बची और इस दुदंबी का कुरुक्षेत्र बना अलवर जिले का एक छोटा सा गांव। इस महासंग्राम के सरगना और सिपाही बने गणतंत्र के भोले भाले, कमजोर, गरीब मगर हिम्मती और बुलंद इरादों वाले गांववासी और उनके कुछ साथी। स्वीडन से आई पत्रकार एलेना राजस्थान में कार्यरत तरुण भारत संघ के नेता राघवेंद्र की जीवन कथा सुनती है। बचपन में राघवेंद्र का अभिन्न मित्र गोपाल उसे बिछोड़ जाता है। जयपुर में वो प्रौढ़ शिक्षा विभाग में नौकरी करते हुए उसे दोबारा मिलता है, जो अपने कुछ साथियों के साथ पिछड़े हुए गांव में साक्षरता अभियान की योजना बना रहा है। कैंसर से गोपाल की मृत्यु हो जाती है। राघवेंद्र इस अभियान को आगे बढ़ाता है। ये नौजवान अलवर जिले के एक गांव में पहुंचते हैं। गांव वाले उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वो एक मंदिर में शरण लेते हैं, जहां से पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, पर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। और अब आगे। इंस्पेक्टर साहब की पूछताछ से तो हम लोग घबरा ही गए थे एलेना। फिर न जाने क्या क्या सोचकर उसने हम लोगों को सिर्फ वार्निंग देकर ही छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद उस पूरे गांव में लोगों का विश्वास जीतना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। पूरे गांव में एक भी आदमी हम लोगों की मदद के लिए नजर नहीं आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग यहाँ फांसी लगवाने के लिए आए हैं और ये लोग हमें देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मजाक छोड़ो यार, काम की बात कभी तो किया करो। काम की बात तो ये है कि पहले पेट पूजा फिर काम धोया। दोपहर हो गई है और हम इंस्पेक्टर ने हमें नाश्ता भी नहीं दिया। पहले मंदिर चलेंगे, मुझे कपड़े भी पहनने हैं। अरे इन लोगों ने हमें छोड़ दिया, इतना क्या कम है। जब सर पर कफन बांधा है तो फिर सोना क्या और खाना क्या। मिल गया तो मिल गया और नहीं मिला तो नहीं मिला। क्यों दिग्विजय? सर बेटे, यहाँ कोई चाय की दुकान है आसपास? नहीं बेटे, बात सुनो। अम्मा जी से पूछ लो। अम्मा जी, यहाँ कोई चाय की दुकान है आसपास? अरे बोलो तो भाई। हाँ यार, वहाँ बनिए की दुकान से पता चल जाएगा, आओ पूछते हैं। बाबा, यहाँ कोई चाय की दुकान है आसपास? आगे आगे चलो देखते हैं। राम राम काका। राम राम भाई। पानी पत्ती रोक के, दूध चीनी ठोक के, 2 कप 5 कटिंग में, नहीं समझे? ना, मेरा मतलब है 5 कड़क दर्द। अरे तेल चाय बनाओ, छो सारे दूध जला कर रख दो। पहले कौन बतायो? तारी दुकान की ऐसी की तैसी कर दूंगा। क्या आदमी है? शांत काका, बीड़ी है? माचिस। प्रमोद। हाँ भैया। मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने मिशन की शुरुआत किसी ना किसी बलिदान से करनी चाहिए। बलिदान? किस तरह का बलिदान करना पड़ेगा? ये हो गया बलिदान। भाई साहब, मैं तो दिन में एक आध बार ही पीता हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम ये छोड़ सकते हो। और वैसे भी लोगों के सामने आइडियल बनने के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। दिग्विजय, पानी पिला यार। बोतल का पानी तो खत्म हो गया प्रमोद भैया। भाई साहब, पानी है क्या? मुझे भी एक ग्लास पिलाइए। धन्यवाद। दिग्विजय, पानी पीने से पहले देख तो लिया होता, कितना गंदा पानी है यार। बहुत प्यास लगी थी भैया। साफ पानी नहीं है भाई साहब? जो ही पानी से भाई, जाके बाद थोड़ा मिलेगा। कहीं आसपास मिल सकता है क्या?
से कमाल है। हम लोग इनकी मदद करने यहाँ आए हैं इतनी दूर से, और ये लोग हैं कि हमारी बात का जवाब तक नहीं देते। केदार, इसमें इन अनपढ़ गरीब और भोले भाले लोगों का क्या दोष? अगर इन लोगों को ये पता होता कि क्या गलत है और क्या सही है, तो ये लोग अपने आसपास सब कुछ ठीक ठाक नहीं कर लेते। मुझे तो लगता है ये काम बहुत मुश्किल है, अपने आसपास फटकने तक तो देते नहीं ये लोग। अरे नहीं केदार, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अजी क्या रास्ता निकल आएगा? उस आदमी की बदतमीजी देखी आपने, उस दिन कैसे भड़का रहा था लोगों को, उसी दिन ठीक कर दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। बिल्कुल सही कहा, पूरा गांव हमारी पकड़ में होता। केदार, अभी भी लोगों को भड़का रहा है वो। देखो देखो भाई, आज चोर उचक्का को किसी का डर कोना। अरे मैंने तो वो दाढ़ी वाला पक्का गुंडा लागे छे, शिकल देखी भी की। अरे मैंने तो आतंकवादी लागे छे। अरे कौन जाने, यो शरीफ आदमी हो भाई। ले सुन ले, हम कैसे कह सको हैं? अपना सामान अपना बिछोना लेके आए थे, चोर चक्कान या चीजा की जरूरत है? तो ये बात ठीक ना सा भाई, मुझे तो आदमी ठीक ना लागे छे। छीतर की बात, मैंने सोड़ा आने सच्ची लागे थे। अरे मैं तो बोलूं जाके सागे ना तो बात करने की जरूरत है, और ना ही कोई उन्हें दोहरा जाओ, चलो यहाँ से। अरे चलो हम तो बैठाओ, चलो दवाई। रहने सोने को जगह नहीं, बात करने को आदमी नहीं, मिशन पूरा करने चले हैं। इनफैक्ट यू पीपल आर नॉट कैपेबल टू हैंडल देम, ये लोग आपके काबू में नहीं आने वाले हैं। जस्ट कॉल इट अ डे एंड पैक योर लगेज, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलो यहाँ से। अरे यार अजीब बात कर रहे हो, जुम्मा जुम्मा एक दिन हुआ नहीं और वापस जाने को कह रहे हो? एक ही दिन हुआ है इसीलिए कह रहा हूँ, वापस चलते हैं। किसी को नहीं पता है कि हम किसी लिटरेसी मिशन पर काम करने आए हैं, या कोई बड़ा प्लान है हमारा, कोई बदनामी नहीं होगी। बदनामी? अरे किस तरह की बदनामी भाई, कोई पब्लिसिटी प्लान भी था क्या? तुमने तो मैं बता रहा ही नहीं यार। देखो ये जगह हमारे काम के लिए ठीक नहीं है, वापस चलते हैं, कोई दूसरी जगह ढूंढेंगे, कोई दूसरा गांव। पहले वहां फील्ड वर्क करेंगे, फिर टीम लेकर जाएंगे। इस तरह से बेकार में समय और एनर्जी वेस्ट करने का क्या मतलब? केदार भाई, सीधी उंगली से घी हर कोई निकाल लेता है। और गर्म घी में उंगलियां डालने से उंगलियां जल जाती हैं। भाई हमें तो उंगलियां जलाने में भी मजा आता है, मीठी मीठी जलन। यार तुम मेरी हर बात काटने में क्यों लगे रहते हो? केदार भाई, हम लोग घर बार छोड़कर किसी चीज को काटने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए आए। तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, समझे ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हद से ज्यादा आप बढ़ रहे हैं। अच्छा बताऊं तुम्हें कैसी बातों में उलझ गए हैं हम लोग? मैं तो आप लोगों का कमिटमेंट देख कर आया था, अपने गोपाल भाई के साथ बड़े बड़े प्लान्स बनाया करते थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए और आपस में लड़ झगड़ कर हम लोग वापस चले जाए। देखिए झगड़ा इसने शुरू किया था। मैंने क्या किया है ऐसा? अरे क्या हुआ दिग्विजय? क्या हुआ दिग्विजय? तुम ठीक तो हो ना? यार यहाँ तो मुसीबत और मुसीबत चली आती है, अब इसे क्या हुआ है? गंदा पानी पिया था, पिया कैसे हो गया? कुछ नहीं होगा, हम लोग तुम्हारे साथ है ना, सब साथ है तुम्हारे, कुछ नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है यार। किधर अभी अगर अभी पानी नहीं मिला तो इसको डिहाइड्रेशन हो सकती है। हाँ लो पानी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपसे देखिए, वो दिखिए जो ज्यादा अच्छा चीनी और नमक है। पंडित जी, पंडित जी, हाँ नमक या चीनी है क्या? हाँ है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पंडित जी।
पंडित जी थोड़ा पानी और मिलेगा? भाई पानी तो और इस गांव में किसी के घर से मिल सकता है क्या? पानी दे दो, कहां से मिलेगा पानी? भाई दो को जानो पड़ेगा और फिर रात को टेम है। आप रास्ता बता दीजिए, हम ले आएंगे पानी। कोई बर्तन है तो मुझे दे दीजिए, आपके लिए भी पानी ला दूंगा। अगर पानी नहीं मिला तो इस लड़के की तबीयत खराब हो जाएगी पंडित जी। अच्छा ठहर ठहर ठहर, देखो थारी है ना मंदिर के पीछे, सीधा उधर जो पानी पकड़। प्रमोद तुम जाकर पानी लाओ, तब तक मैं दवाई का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया, मैं अभी आया। यहाँ पानी तक तो देने में कोई तैयार नहीं, दवाई कहाँ से मिलेगी? मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, कम से कम इसे तो भेज देना चाहिए। नहीं सर, मैं घर वापस नहीं जाऊँगा सर। देखो केदार, इस समय मुझे दवाई का इंतजाम करना है, ये बातें हम फिर कर लेंगे। पंडित जी यहाँ कोई दवाखाना या डॉक्टर? या गांव में दुकान, दस दस कोस दूर गांव तक भी कोई डॉक्टर और दवाखाना ना छे। राघवेंद्र भाई साहब, गोपाल भाई साहब ने बताया था कि आप आयुर्वेद के आचार्य हो, आप खुद क्यों नहीं कर लेते कोई इलाज? हाँ सत्येंद्र, लेकिन चलते समय मैं अपना थैला भूल गया दवाइयों का, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। हाँ दिग्विजय, मैं अभी आता हूँ। ठहरो, देखो एक बैच है गाँव में, हम चाहो तो मैं थाने तक चलूंगा। पंडित जी आप मुझे पता बता दीजिए, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। थारे तो दूसरे काम तो ना गाँव में, और कभी छोरे को ना उससे अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी थी। मैं चलूँ तेरे साथ। थारा जी, ओ बैजी, बैजी अंदर ने छोके। कौन से भाई? हम बैठू, मैं मंदिर को पुजारी। हाँ जल्दी ने आओ बाहर ने। आप बैजी वहाँ आओ आओ, भीतर ने आ जाओ। हाँ चलो चलो आओ आओ। आराम से दिखे, आराम से, सब ठीक हो जाएगा। हम सब है ना दिखे, पानी भैया पानी। प्रमोद पता नहीं कब आएगा, तुम जरा उसका ख्याल रखना। मैं यहाँ यहीं से पानी ढूंढता हूँ, मेरे आस पास शायद पानी मिल ही जाएगा। वैद्य जी, आपको आयुर्वेदिक दवाइयों की इतनी जानकारी है, कभी गांव के लोगों की मदद से कोई दवाखाना या दवाखाना तो चलाया मरने कई बरस, पर अब बूढ़ा हो गया हूं ना, अब ना चला सकूंगा भाई, से दवाखाना बंद पड़ा है मारो। जो थोड़ा बहुत कर सकूं सो घर से ही बुला के ले जा मैं गांव का लोग। लियो भाई। है जी ये जड़ी बूटी और ये बीज। हाँ ये सब दवा दारू के काम आवे से भाई। ये लो, ये दो पुड़िया दे दियो ताजे पानी के साथ। ये जड़ी बूटी सब रोग ठीक हो जागो। चलो छोकरा ने दवाई भी देनी है, फिर तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। चलो अच्छा भाई जी, राम राम। अच्छा भाई राम राम, भैया राम राम, सब भगवान भली करेगा। जाओ
जी ने बहुत अच्छी दवाई दी है तुम्हारे लिए, अब आराम आ जाएगा। सर पानी? हाँ बिल्कुल। अरे केदार, प्रमोद अभी तक पानी लेकर नहीं आया? जी वो सतेंद्र भी गया था पानी लेने, वो भी अभी तक नहीं आया। आते ही होंगे। भैया सतेंद्र, क्या हुआ? गांव वालों से कोई झगड़ा हुआ तुम्हारा? किसने मारा? काम शुरू हो रहा है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है केदार। ये जो छोटी छोटी कड़वाहटें हुई है ना हम लोगों की, ये धीरे धीरे समय के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पंडित जी आपने तो हमें बचा ही लिया, अगर आप ना होते तो हमारे दोनों कॉमरेड बाहर बोल गए होते। भाई बात यो है कि आज तक इस गांव में कोई अच्छो काम करने खाते तो आया कोनी, और फिर तुम एक ना दो ना पूरे पांच पांच हो। अरे ये शक्ल क्या बना रखी है, इधर देखकर तो मैं भी डर गया था। आ सतेंद्र, घाव तुम्हारा बहुत हल्का है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वैसे केदार, हमें इस गांव में पानी की समस्या और दवा की समस्या का तो पता चल ही चुका है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ लोगों से अब घुलेंगे मिलेंगे तो बाकी समस्याओं का भी हमें पता चल ही जाएगा। मुझे तो लग रहा है यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं। भाई ऐसे मौके पर एक शेर याद आ रहा है, बिल्कुल तरोताजा है। सुनाइए ना प्रमोद भैया। ये शेर मेरे पिता का भी फेवरेट है, तो पंडित जी शेर अर्ज करूं? खुदी को कर बुलंद इतना। अरे रहने दो रहने दो यार, कोई मूड में नहीं है। अरे नहीं नहीं केदार, बात तो पते की है। खुदा भाई हमसे पूछेगा तो जरूर, लेकिन हमें मालूम भी है कि हमारी रजा क्या है।
वैजी मैं ये दवाइयां बनाने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। वैजी मैंने आयुर्वेद में डिप्लोमा किया है और ये जड़ी बूटी और दवाइयों की थोड़ी बहुत जानकारी भी रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहकर थोड़ी बहुत वैद्यगिरी सीख लूँ। मैं आपका दवाखाना फिर से चालू करना चाहता हूँ। आप मुझे गलत मत समझिए, दरअसल मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। वैद्य जी, जब मैं और मेरे साथी शहर से गांव में आए थे तो हम लोग यही सोच कर आए थे कि हम लोग अपना सारा जीवन किसी नेक काम में लगा दें, लोगों की भलाई में लगा दें, सारे जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दें। इसलिए हम लोग किसी ऐसे गांव की तलाश में थे जहां सचमुच हमारी लोगों को आवश्यकता हो। वैद्य जी, यदि आप मुझे विद्या सिखा दें तो शायद मैं इस गांव के लिए कुछ कर सकूं। वैद्य जी, आप जैसे विद्वान और बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद से ही हम लोग ये शायद काम पूरा कर सकें। आपने कल हम लोगों के लिए जो किया उससे हमारे दिल में आपके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई है। वैद्य जी, अब हमें निराश नहीं करेंगे ना? थारी बातों से तो लग रहा है कि तुम बड़े मानस हो गए, थारे मन में सेवा की भावना भी है। तो दवा खाना इतने बरस से बंद पड़े थे, पर यह बात हमसे आज तक किसी ने ना की। बच्ची, आपके परिवार में आपके अलावा और कौन? एक छोरो पैदा हुआ थो, उसकी माँ बच्चा जनते ही भगवान ने प्यारी हो गई। छोरो बड़ो हुओ, 5-6 बरस का रहो होगो, इसमें चल बसो बेचारो। माँ बेटा दोनों के जाते ही मारी तो दुनिया उछड़ गई, सब काम धंधा छोड़ दिया माने। पांच जमा तक पढ़ो थो मैं, कहीं से बैदगिरी की किताब हाथ लगी, उसने ही पढ़ पढ़ के थोड़ी बहुत दवाइयां बनानी शुरू कर दी। सोचो मारो छोरो तो चलो गयो, चलो गांव के लोगों की सेवा ही कर लो। लगता है कि हम लोग अब सही जगह पर आ पहुंचे हैं। वैद्य जी, अभी तक आप ये लड़ाई अकेले लड़ते जा रहे थे, आज से आपकी लगन और सच्ची भावना को हम आगे बढ़ाएंगे। आपका दवाखाना कल से फिर चालू होगा। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तो यू ही चाहूं सू कोई आवे और इस दवाखाने में चलावे, यही मारा सपना से, यही मारी दुनिया से बेटा। Thank you.
हाँ।